मैंने गुरु के महत्व को समझाया था। देखिए आज के समय में हमारे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, हम केवल उन्हीं को अपना गुरु समझते हैं। ये पूरी तरह सच नहीं है। देखिए गुरु तो हर वो इंसान है जिसका हमको सीखने को मिले, लेकिन पहले समय में जैसे गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पे गुरु ही सारी शिक्षा दिया करते थे, सदाचार की और आध्यात्मिक शिक्षा, और वो ही असल में गुरु हुआ करते थे। लेकिन अब जैसे एक दोहा भी एक प्रचलित है काफी कि गुरु गोविंद गुरु खड़े काके दारू पाए, तब हमारे गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये उन्हीं गुरुओं के लिए है, लेकिन आज के समय में सिर्फ ये जो हमारे को इंग्लिश मैथ साइंस ये जो पढ़ाते हैं, सिर्फ हम इन्हीं को ही अपना गुरु समझते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे को आधुनिक ज्ञान के लिए जैसे अध्यापकों की जरूरत है, अब हम हमारे को जैसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है, हमारे को पता है हमें दवाई खानी चाहिए इसके लिए, लेकिन कौन सी दवाई कब खानी चाहिए इसके लिए हमारे को डॉक्टर की जरूरत है। तो जिस तरह शारीरिक रोग दूर करने के लिए हमारे को डॉक्टर की जरूरत है, उसी तरह जिंदगी के रोग दूर करने के लिए हमें एक आध्यात्मिक गुरु की भी जरूरत है। तो यहाँ आने से पहले मेरे को नहीं पता था कि आध्यात्मिक गुरु का क्या महत्व है, और मैं विश्वास भी नहीं रखता था। यहाँ की एक सेवादार है अन्नपूर्णा शर्मा, मैं उसका बहुत आभारी हूँ जितना मुझे यहाँ की राह दिखाई, और उन सभी सेवादारों और श्रद्धालुओं का जो यहाँ पे अपने अनुभव बताते थे, और मेरे मन में विश्वास पक्का होता था जिस तरह इंद्र माँ से शक्ति की गुरु माँ की कृपा हुई है, इनके अरमान पूरे हुए हैं, एक दिन मेरे साथ भी ऐसा होगा, मेरी भी इच्छा पूरी होगी और मैं भी आके अपना अनुभव बताऊंगा। और अभी जनवरी में एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था मेरे को, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो कॉन्ट्रैक्ट टेढ़ा भी नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल उल्टा था। और जहाँ से मतलब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला था वहाँ के इंजीनियर्स वगैरह बिल्कुल इडियट थे, काम कराना नहीं आता था कहने का मतलब, और मैं मतलब पूरी तरह से फंस गया था उस कॉन्ट्रैक्ट में कि ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही हो पा रहा था, और मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं पीछे भी नहीं हट सकता था, और मैं मतलब पूरी तरह फंस गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। और बल्कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट भी हुआ था वो भी एक तरीके से डूबता हुआ नजर आ रहा था। तो मैं मठ में आया, संकल्प लिया माँ से शक्ति से और गुरु माँ की कृपा से, अब सॉरी श्री माँ की कृपा से वो उसका पेपर बन गया और पास हो गया। मैं श्री माँ का बहुत आभारी हूँ।